गुड आईएमसी दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू आईएमसी परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आईएमसी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिजनेस प्लान को इम्प्रूव किया है और उसे अपडेट किया है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं आईएमसी बिजनेस में आने के बाद कि वो बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उन्हें जो बेसिक चीज़ है बिजनेस प्लान वो ही नहीं वो समझ पाते हैं। तो आज मैंने पूरी कोशिश की है कि आप बिजनेस प्लान को जितना से समझ लें जान लें, क्योंकि हमारा ग्रोथ का बेसिक जो चीज़ है वो बिजनेस प्लान है। अगर हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीखेंगे तो हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, टीम बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे समझना पहले होता है, समझाना बाद में होता है। अगर हम पहले समझ जाएंगे तो हम दूसरे को अच्छे से मैसेज डिलीवर कर सकते हैं कि व्हाट इज आईएमसी और आईएमसी का पर्पस क्या है और ये किस मिशन पे काम करी, और इसके बिजनेस प्लान पर अगर हम काम करते हैं तो हमारी मंथली इनकम कैसे ग्रो होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आईएमसी बिजनेस होता क्या है और हम इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, पहले ये सीखते हैं। 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति बिना किसी निवेश के आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है और वह आईएमसी का स्वतंत्र बिजनेस एसोसिएट बन सकता है। आईएमसी का एसोसिएट बनने के बाद आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स अप टू 30% तक छूट मिलना शुरू हो जाती है पूरे भारत देश में। चलिए अब हम जानते हैं कि ज्वाइनिंग करने का तरीका क्या है। आईएमसी का बिजनेस एसोसिएट बनने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म को भरकर और तुरंत ओटीपी वेरिफिकेशन द्वारा कंपनी का बिजनेस एसोसिएट बन सकता है। एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से केवल एक ही रजिस्ट्रेशन संभव है और तभी जाकर अगर हम कभी भी प्रोडक्ट आईएमसी का परचेस करते हैं तो उसी मोबाइल नंबर पर हमें मैसेज मिलता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उसकी एमआरपी ये है और आईडी प्राइस आपको इतनी मिली है और बीबी जो है वो आपको इतना डिलीवर किया गया है। इससे एक फ़ायदा क्या होता है कि हम ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कि आईएमसी जो बोलती है जो कहती है वो होता है और आपकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो पक्की हुई है आईएमसी कंपनी के साथ। दोस्तों, जब हम आईएमसी में ज्वाइनिंग ले लेते हैं और हम परचेस एक दो महीने के लिए नहीं करते हैं तो कुछ ही महीनों के बाद हमारी आईडी टर्मिनेट हो जाती है, मतलब डिट हो जाती है। तो हमारे आईडी को हमेशा एक्टिव रखने के लिए करना क्या होता है, हमारा जो पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है उसे अपलोड करना होता है। जैसे हमारा आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या हमारा वोटर आईडी कार्ड हो गया, हम इसे आईएमसी की वेबसाइट पे या आईएमसी बिजनेस ऐप पे अपलोड करके वेरीफाइड कर लेते हैं। इससे हमारा आईडी सिक्योर हो जाता है, सेफ हो जाता है। फिर हम जो भी परचेस करते हैं, जो भी हमारी इनकम आईएमसी में बनती है वो मंथली आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें आईडी को एक्टिवेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही कारण होता है कि बहुत सारे लोगों के पैसे नहीं आ पाते हैं उनके अकाउंट में। अगर आप आईएमसी के बिजनेस एसोसिएट बन जाते हैं तो इसके बनने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट आईएमसी से मिलती है आप वो जानते हैं। बिना किसी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, ये पहला प्रॉफिट आपको मिला। सेकेंड है रिटेल प्रॉफिट, 30% तक मिलती है हमें। फ्री वेब पेज मिलता है, जो हमारा www.imcbusiness.com जो वेबसाइट है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हम किसी अगर हमें कोई एजुकेटेड पर्सन मिलता है, पढ़ा लिखा अच्छे खासा लोग मिलते हैं तो हम उन्हें बतला सकते हैं कि आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए। वहाँ पर जब वो जाके प्रोफाइल को देखेगा तो आसानी से बिजनेस को साइन अप कर देगा। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंसेंटिव हमें कंपनी देती है 10-30% तक। स्पेशल इंसेंटिव अवार्ड है 17% तक। लीडरशिप बोनस हमें 15% अब मिलने लगा है। सुपर स्टार फंड 3% का हो गया है और मीटिंग फंड हमें 2%, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हमें देखने को मिल रहा है। ट्रैवलिंग फंड हमें 4%, मोटरसाइकिल फंड 4%, कार फंड 2%, हाउस फंड 2%, चेयरमैन स्टार फंड 2%, एम्बेसडर स्टार फंड 1%, क्राउन एम्बेसडर स्टार 1%। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है। दोस्तों आईएमसी बिजनेस प्लान को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बीवी, बीवी क्या होता है, सभी प्रोडक्ट्स की बीवी निर्धारित किए गए हैं जिसे हम बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं। यह वह संख्या है जिस पर प्रत्येक महीने कमीशन का भुगतान किया जाता है। एसोसिएट द्वारा बनाए गए बिजनेस वॉल्यूम पर ही लेवल और प्रॉफिट की गणना की जाएगी। पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, एसोसिएट द्वारा अपनी आईडी पर खरीदे गए प्रोडक्ट्स पर मिलने वाले बीवी पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम होंगे। ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, एसोसिएट द्वारा विभिन्न डाउनलाइन में बनाए बीवी, फिर चाहे वह डाउनलाइन किसी भी लेवल या क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर चुके हो, वह एसोसिएट के ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होंगे। पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, एसोसिएट द्वारा विभिन्न डाउनलाइन में बनाए
वीवी और पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम उसके पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होंगे। जब आपके डाउनलाइंस में कोई एसोसिएट सुपरस्टार बनता है तो उसके बीवी आपके पीजीबीवी में शामिल नहीं होंगे। अगर सुपरस्टार लेवल के एसोसिएट के बीवी से कम होंगे तो उसके बीवी आपके पीजीबी में ऐड होंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें समझना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग में नोट रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बारीकी को भूल जाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंसेंटिव 10-30%। परफॉर्मेंस इंसेंटिव की गणना के लिए प्रत्येक माह एसोसिएट और उसकी डाउनलाइन द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट्स के मासिक बीवी जुड़ते रहेंगे, यानी एक्यूमुलेट होते रहेंगे। आईएमसी सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान एसोसिएट को पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम और आपके ग्रुप द्वारा बनाए गए कुल पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर आपको 10-30% तक इंसेंटिव पाने का अवसर देता है। ध्यानपूर्वक आप समझे, अगर आपकी डाउनलाइन में कोई भी एसोसिएट किसी भी लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके लेवल और आपके लेवल के प्रतिशत का अंतर आपको मिलेगा। कुल परफॉर्मेंस इंसेंटिव में से आपकी डाउनलाइन का बनता परफॉर्मेंस इंसेंटिव निकालकर आपके एसोसिएट को तथा आपकी आमदन आपको अदा कर दी जाएगी। अभी हमारा बेसिक आईएमसी बिजनेस प्लान शुरू हो गया। 10% लेवल अचीव करने के लिए हमें 1001 बीवी बनाना ज़रूरी है। 15% लेवल अचीव करने के लिए, स्टार टू लेवल अचीव करने के लिए हमें 7501 बीवी बनाना ज़रूरी है। स्टार थ्री लेवल अचीव करने के लिए, जिसे हम 20% कहते हैं, 25001 बीवी बनाना ज़रूरी है। स्टार फोर लेवल 60001 बीवी 25% लेवल अचीव करने के लिए, और अब सुपर स्टार का जो लेवल है हमें 101 बीवी अचीव करने के लिए करना होगा, तब हम जाके 30% लेवल को अचीव कर पाएंगे। यदि एक एसोसिएट 30% प्रॉफिट लेवल प्राप्त करता है तो वह सुपर स्टार एसोसिएट बन जाता है। तो दोस्तों, ये सभी आईएमसी परिवार के लिए बेसिक जानकारी रखना वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा 10% का लेवल हम कैसे अचीव करेंगे और सुपरस्टार हम कैसे बनेंगे। इसमें जो जो परिवर्तन किया गया, इसे जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये बेसिक बिजनेस प्लान के बारे में बतलाया। और बाकी जो जानकारी है अगर उसे भी बताना, उस बारीकी से शुरू करो तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा पार्ट बाय पार्ट बनाने का, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो और आपका भी कम वक्त यहाँ इन्वेस्ट हो और आसानी से वीडियो ढूंढ सकें और खुद भी समझ सकें और लोगों को भी समझा सकें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून। वंदे मातरम, भारत माता की जय। गुड आईएमसी।